Hello, assalamu alaikum. Today we are here at the office of Dr. Surendra Fatima, who is the chairman of Punjab Tourism Development Corporation. And now we are going to have a little chit chat with him. Let's talk to him. So, Ram sir ke saath mein, assalamu alaikum sir, and it's so nice to be with him. And sir ne hame bahut achi coffee pilayi hai, and now we are going to have a little chit chat with him. So, sir, hum aapse poochna chahenge ki basically who is Dr. Surendra Fatima, and like what struggles made you to the point that you are today? देखिए वैसे तो लाइफ जो है हमेशा एक स्ट्रगल होती है और लेकिन उसमें स्ट्रगल से ज्यादा मैं समझता हूँ मेरे मामले में जो है वो पॉलिटिक्स में आना जो है वो तो एक हद तक किस्मत की बात है. मैं मेडिसिन जब मैंने मुकम्मल की तो उसके बाद मैं यूएस चला गया, वहाँ मैं भी पढ़ना शुरू किया था. तो मेरे फादर सिक्स टाइम मैं आपको पार्लियामेंट थे तो उनकी जगह पे मुझे फिर आना पड़ा क्योंकि वो ग्रेजुएट नहीं थे, वो ग्रेजुएशन का वही उस टाइम पे आ गया 2002 में. तो फिर उनकी जगह पे मैंने लगकर इलेक्शन लड़ा, फॉर्चुनेटली मैं पहली दफा जीत गया. उसके बाद फिर मैं फर्स्ट टाइम ही आई वॉज वेरी यंग उस टाइम पे मैं जो है वो कैबिनेट में भी आ गया, एडवाइजर की चीफ मिनिस्टर रहा, इसके अलावा मिनिस्टर फॉर कॉमर्स इन्वेस्टमेंट रहा. इसके बाद फिर पीटीआई में जो है मैं अच्छी बेहतर पोजीशन में कोर कमेटी का मेंबर भी रहा और भी बहुत सारी पोजीशन जिसमें मैं काम करता और अब जो है चेयरमैन ऑफ इंडियन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तौर पे काम कर रहा. So sir, next we will love to know about that from which medical college you studied and which were what were your educational institutes, and secondly we would love to know that aapki student life is how were you as a student. Pehle to hai main Meerawala mein tha, St. Joseph's medical था स्कूल हमारा. फिर उसके बाद मैंने फिर एक जंप किया, मैंने 8th से सीधा 10th क्लास में DPS लाहौर आ गया. उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज गया और उसके बाद MBMC चला गया, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद. और पंजाब मेडिकल कॉलेज एट दैट टाइम बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती थी तो फिर वहाँ पे काफी हद तक बहुत ज्यादा उसमें जो है PMC ने मुझे बहुत ज्यादा उसमें मैं समझ गया कि PMC का बहुत रोल है. जो मैंने एक तो चलो मेरी फैमिली में मेरे मामू में MNA थे, मेरी फैमिली में और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे, लेकिन ये कि अगर वो रियल टाइम पॉलिटिक्स की बात हो तो मुझे PMC में जूनियर थी, MSF थी और बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स थी, लड़ाइयां थी, झगड़े थे. आपको एक बड़ा मुझे फेयरनेस नहीं लग रहा क्योंकि मैंने इतना अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता. तो वो इस वजह से कि आपने जब अपनी इतनी फायरिंग देखी हो, इतनी लड़ाइयां देखी हो, झगड़े देखे हो. सो सर लाइक आफ्टर लीविंग योर मेडिकल प्रैक्टिस एंड देन गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स एंड देन लाइक होल्डिंग द कंट्रोल ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग सीट और जो मोस्ट थ्रिलिंग डिपार्टमेंट है आपका टूरिज्म और डेवलपमेंट का, तो उसमें आप आए हैं, तो अब इसमें हमें क्या तब्दीली नजर आएगी? ये है कि हम बहुत सारी चीजें करने जा रहे हैं. होता ये है कि अब लोग जो है ना वो टूरिज्म की तरफ, टूरिज्म एक फैशन भी बनता जा रहा है. लोग निकलना चाहते हैं रात को जब वो अपने ऑफिस से वापस आए, अपनी शॉप से वापस आए, अपनी जो भी वो काम करते हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, वो चाहते हैं कि वो बाहर निकले, दोस्तों के साथ निकले, बच्चों के साथ निकले, अपनी फैमिली के साथ बाहर जाए. वीकेंड पे भी लोग समझते हैं कि उनको निकलना चाहिए, छुट्टियां जब हों. लाहौर कोई अच्छी है क्योंकि लाहौर मतलब क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट है वो बेसिकली पंजाब के अंदर है और पंजाब इज बेसिकली रिच इन फूड कल्चर चीजों को हम करने जा रहे हैं. हम यहाँ पे काम कर रहे हैं जिसमें फूड स्ट्रीट जो है वो हम 3 जगह पे लाहौर के लिए बनाने जा रहे हैं. लाहौर में एक गुजरावाला में और एक हिरनगढ़ में. हिरनगढ़ जो वो काफी हम उसमें डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, अभी बहुत जबरदस्त बन चुका है, वो लोगों को जाना चाहिए. सिर्फ 20 मिनट्स लगते हैं यहाँ से टोकर न्याज लेक से और इंशाल्लाह लाहौर में एक फ्लोटिंग मार्केट भी हम बनाने जा रहे हैं और वो बिल्कुल आपको थाईलैंड वाला एक्सपीरियंस यहाँ पे. यहाँ पे लाहौर में हमारे पास मीनस बनने जा रहे हैं जो पहले मतलब इट वॉज पार्ट ऑफ जो के बारिश होती थी तो लाहौर मीनस बनता था,
जो है वो भी बिल्कुल डिफरेंट आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो और वो इंशाल्लाह हम आपको बिल्कुल एक हट के थोड़ा डिफरेंट इंशाल्लाह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है आपको पंजाब के अंदर आपको जो है वो टूरिज्म के बहुत सारे जगह मिलेंगी जहाँ पे लोग जा सकते हैं जो अपनी फैमिली के साथ लोग जाएंगे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जाएंगे और आपको थ्रू 12 मंथ की टूरिज्म की हम बात करें हम ये नहीं होंगे नॉर्दर्न एरिया में आप 3-4 महीने में आप जल्द चले जाते हैं नहीं हम बात ये करेंगे थ्रू ईयर फॉरन टूरिस्ट आएगा वो भी उसके लिए भी अट्रैक्शन होगी हर शहर में होगी हर तहसील में कुछ ना कुछ हो रहा होगा हर जगह पे जो है वो जो नए नए इवेंट्स क्रिएट उनको 12 मंथ का टूरिज्म मिलता है जिसमें उनको पहाड़ भी मिलेंगे उसमें उनको जो है हमारी लेक्स बहुत खूबसूरत है देखें कोटी सर्दियों को हम डेवलप करने जा रहे हैं उसके बाद हम जो है वो सूम्स केस है बहुत खूबसूरत जगह है वहां पे उछाली लेक है बहुत बड़ी लेक है बहुत खूबसूरत है दुनिया में बड़े जो है इतने लाखों की तादाद में परिंदे जो है बड़े यूनिक किस्म के वो आपको दिसंबर जनवरी में मिलेंगे इसके बाद वहां पे क्रैटी गार्डन है आप समझ लें कि 4-5 दिन का आप उस एरिया में बहुत जबरदस्त किस्म का टूर डाल सकते हैं 4-5 दिन का टूर पंजाब के अंदर बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ बहुत खूबसूरत जगह बहुत खूबसूरत जगह मैं सिर्फ आपको बात कर रहा हूँ फूम्स के सर की ठीक है वहाँ पे 4-5 इतनी खूबसूरत जगह है बल्कि उससे भी ज्यादा है कि आप आराम से 4-5 दिन जो है आपको पता भी नहीं चलेगा और यू विल एंजॉय दैट ठीक है मैं गारंटी करता हूँ बोल नहीं होंगे अच्छा हर जगह डिफरेंट है हर जगह खूबसूरत है लाइक आई रियली आफ्टर हियरिंग दैट मैं तो खुद कर के बंदा वहाँ पर जाए एंड यू शुड सी दीज थिंग्स सो सर लास्ट बट नॉट लीस्ट इट वॉज लाइक आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर गिविंग मी सो मच टाइम ऑफ योर्स एंड लेकिन अपने आपसे ये है कि लास्ट इंक्लूडिंग एक मैसेज होंगी कि व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर द पीपल जो कि मतलब जितना जो बच्चे पढ़ते भी हैं मतलब फॉर एग्जांपल डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं वो उनको भी मतलब इस तरह आके भी एक को अपना जो है पार्ट प्ले कर सकते हैं द डेवलपमेंट ऑफ नेशन तो इस बारे में भी एक छोटा सा नोट आप बताएं और ये कि जो हमारी आवाम थोड़ी सी डिप्रेस हुई है रिगार्डिंग द करंट सिनेरियोस एंड द करंट सिचुएशन दैट इज गोइंग ऑन उससे रिलेटेड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और एक जर्नली जो आपकी फॉलोइंग है जो लोग आपको पसंद करते हैं जो आपको सुनना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे देखिये मैं ये समझता हूँ कि हैव फेथ अपने ऊपर भी इस मुल्क के ऊपर भी और इमरान खान के ऊपर भी हम सब जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं जिस हालत में ये मुल्क मिला है उसको संभालना उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल काम था अभी वो चीजें बेहतर होनी शुरू हुई मैं नहीं कहता कि आज से ये सिचुएशन बहुत अच्छी होनी शुरू हुई नहीं मैं ये यकीन करता हूं कि मैक्सिमम 1 more bad year जो ये कंटिन्यू है और उसकी वजह ये थी कि हमारी सारी इकोनॉमी का बहुत मैं इसके ऊपर बड़ी लंबी बहस नहीं कर रहा हूं लेकिन बहुत बुरे हालात में लेकिन वी आर इन सेफ है और इंशाल्लाह मुश्किल टाइम जो है वो गुजर गया थोड़ा सा बाकी है वो भी गुजर जाएगा और ये मुल्क जो है इसमें बड़ी तरक्की है और इंशाल्लाह जो है वो अब ये स्लोली ग्रेजुअली चीजें जो है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी और उसमें मैं समझता हूँ पूरी कौम को मिलकर साथ देना चाहिए इस वक्त इमरान खान का और इंशाल्लाह चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी मैं ये गारंटी करता हूँ 5 साल जो ये हमारी गवर्नमेंट को मिले हैं इस दौरान में आपको कम अज कम मैं इस बात पे तो 100% कहता हूँ कि इकोनॉमी भी बेहतर होगी आपकी एक्सपोर्ट्स भी बेहतर होंगी और आपका टूरिज्म भी बेहतर होगा इम्पोर्ट्स का होगी इस इम्पोर्ट्स के ऊपर जो लोग जा रहे हैं वो जो चीख रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि इम्पोर्ट्स का टाइम आपको इंशाल्लाह खत्म होने वाला है एक्सपोर्ट्स की आप अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव हम एक
सोशल मीडिया में मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको अपना एक बास्केट बोल दिया करना, क्योंकि हम होता ही है कि एक मीडिया में कोई एक नेगेटिव न्यूज आती है और हम उसको तस्दीक, और बल्कि कई दफा होता है कि कोई ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, तो वो एक नेगेटिव न्यूज को क्रिएट करते हैं और हम लोग उसको शेयर करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फूड के वाले से बात करता हूँ, बहुत सारी दुनिया से लोग आते हैं जो स्पेसिफिकली फूड के लिए, मैं एक बात करता हूँ कि जो इंडियन फूड है बेसिकली जो इंडियन फूड इज नॉट इंडियन फूड, दैट इज पाकिस्तानी फूड, दैट इज मुस्लिम फूड, क्योंकि इंडियंस जो है वो तो चिकन मटन बीफ वो तो खाते ही नहीं है, तो वो तो सिर्फ सब्जियां खाते हैं। तो ये जो हमारा पाकिस्तानी फूड है उसके लिए लोग जो है वो इंटरनेशनली भी ट्रेवल करके आते हैं, या यहाँ पे जो लोग होते हैं वो बाहर नहीं निकलते, वजह के हम कहते हैं जी वो फ्रॉग वाला पिछले दिनों सुनता, वो जा रहे किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो उसके ऊपर वो जी फ्रॉग, और ये गधे के गोश्त वो भी एक टोटल बकवास है, क्योंकि गधे का गोश्त बहुत महंगा पड़े अगर वो बीफ के हिसाब से, तो हम लोग नेगेटिविटी की तरफ ना जाए। उसका नतीजा हमारे मुल्क की इकोनॉमी को सफर करना पड़ता है, उसकी वजह से टूरिज्म को सफर करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो एज ए नेशन हर यंगस्टर को अपना रोल प्ले करना चाहिए अपने टूरिज्म को बेहतर करने का, आप अपनी वीडियोस बनाएं, अपने ब्लॉग्स बनाएं, आप पिक्चर्स खींचें, जहां पे जाते हैं खूबसूरत खूबसूरत पिक्चर खींचें और उसको आप सोशल मीडिया पे डालें, उसका नतीजा ये होगा कि लोगों तक वो मैसेज पहुंचेगा, आप अपना सॉफ्ट इमेज को क्रिएट करें। हम दुनिया में क्या होता है, छोटा इतनी बड़ी खबर होती है और उसको लोग छुपाते हैं कि हमारे टूरिज्म उसके साथ जुड़ा करो, तो यहाँ पे होता है कि हम उसको हम खुद ही जाने जाने में जो है वो हम वो खबर को फैला रहे होते हैं। तो ये प्लीज अपना रोल प्ले करें, अगर आप समझते हैं कि हमारे मुल्क के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ एक काम अगर कर दें वो कि अपने टूरिज्म को प्रमोट करें अपने ब्लॉग के थ्रू, अपने फेसबुक के थ्रू, अपने ट्विटर के थ्रू, कोई भी जो भी मीडियम आप यूज करते हैं उसको यूज करें और आपने टूरिज्म को प्रमोट करें, आपकी जो नेगेटिव न्यूज है उनको शेयर ना करें, तो ये आप देखेंगे, मैं आपको गारंटी करता हूँ 4 साल के अंदर आपका टूरिज्म शायद जो है वो मैं ज्यादा नहीं कहता तो 3-4 गुना जरूर बढ़ गया। Thank you so much for your time, sir. And it was an honor to meet you. And it was so clear and such a humble personality you have. And it was really, really nice to talk to you. Thank you.